जी फूड, मैं हूँ मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए स्पेशल चौला फली। चौला फली घर पर बनाना बहुत ही आसान है और इसी के साथ जो उसकी स्पेशल चटनी सर्व होती है उसे किस तरह से बनाना है वो भी मैं सिखाने वाली हूँ। तो चलिए चौला फली और चटनी कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम आटा लगाने के लिए पानी को गर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में आधा कप पानी लिया है, 100 ml ये पानी है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पापड़ खार। तो पापड़ खार का इस तरह का पैकेट आसानी से मार्केट में मिल जाता है, ये आपको किसी भी किराना स्टोर पे या मॉल में मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप उसे खरीद सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में हमें इसमें 3/4 teaspoon पापड़ खार डालना है। तो मैंने 1 चम्मच का मेजरमेंट लिया है, वो पूरा नहीं भरना है। इसी के साथ आधा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक डालें, इसे मिक्स कर लें। अब इस पानी को हमें गर्म करने के लिए रखना है। इसे हमें 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म कर लेना है ताकि जो पापड़ खार और नमक हमने डाला है वो अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो जाए। तो 5 से 7 मिनट के बाद ये पानी उबल गया है, गैस बंद कर देंगे और इस पानी को हम नीचे उतार कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चौला फली का आटा लगाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे। उसमें हम 200 ग्राम बेसन लेकर उसे छान लेंगे। जब भी आप बेसन में से कोई रेसिपी बनाएं तो उसे इस्तेमाल करने से पहले छानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसन में इस तरह की गुठलियाँ हो जाती है। तो जब भी आप बिना छाने उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलता है। तो बेसन को मैंने छान लिया है। इसी के साथ हम 100 ग्राम उड़द दाल का आटा भी छान लेंगे। चक्की पर आपको 2 तरह का उड़द दाल का आटा मिलेगा, एक थोड़ा बड़ा वाला और एक बारीक वाला। तो जब भी आप चौला फली बनाने के लिए उड़द दाल का आटा इस्तेमाल करते हैं तो वो बारीक वाला आपको इस्तेमाल करना है, और आप अगर चाहो तो चना दाल और उड़द दाल को घर पे चक्की पे पीस के भी तैयार कर सकते हो। जितनी चना दाल लेते हो उससे आधी क्वांटिटी में उड़द दाल लेनी है। तो ये दोनों आटा मैंने मिक्स कर दिया है। अब जो पानी हमने गर्म करके रखा था वो भी ठंडा हो गया है, तो इसमें 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। इसे मिक्स कर ले। अब ये पानी हम आटे में डालेंगे। बेसन और उड़द दाल का आटा दोनों थोड़ा स्टिकी होता है, तो पानी बहुत ही सावधानी से डालें। अगर आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो भी चौला फली सही नहीं बनेगी। तो जो आधा कप पानी मैंने गर्म किया था वो पूरा मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब जो भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम सादा पानी इस्तेमाल करेंगे। अभी जो मेज़रमेंट लिया है उसमें 1/2 cup + 2 से 3 चम्मच जितना और पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन कई बार वो आटे की क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है, कई बार पानी प्लस माइनस हो सकता है। तो आपको पानी सावधानी से डालना है, और जैसा हम पराठे का आटा लगाते हैं वैसा ही इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर आपको तैयार करना है। हाथ में से और जो बर्तन हमने लिया है उसमें से आटा आपको निकालते जाना है और अच्छी तरह से उसे मसल के इकट्ठा कर लेना है। जब इस तरह से आटा लग जाए उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालें और इसे मसलने से पहले हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लें, क्योंकि अगर हाथ में आटा लगा होगा तो आप अच्छी तरह से इसे मसल नहीं पाओगे। तो हाथ को धोने के बाद आप फिर से आटे को 2 से 3 मिनट तक मसल लेना। तो आप देख सकते हैं जितना हम आटे को मसलेंगे उतना ये एकदम स्मूथ हो जाता है। तो इस तरह से आटा लगा कर उसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रहने देंगे। 10 मिनट हो गया है, आटे को इस्तेमाल करने से पहले फिर से एक बार मसल लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आटा लगकर ये तैयार हुआ है। अब मैं इसमें से 3 हिस्से कर लूँगी। तो एक हिस्सा अभी मैंने लिया है, बाकी का आटा मैं ढककर साइड में रख देती हूँ। जनरली चौला फली का आटा थोड़ा कूटना पड़ता है चौला फली को एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए, लेकिन आज मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगी। तो इस तरह से आपको हाथ में आटे को खींचना है फिर इकट्ठा करते जाना है। शुरू शुरू में यह आटा हाथ में चिपकता है तो आपको लगे कि आटा थोड़ा ज़्यादा हाथ में चिपक रहा है, तो थोड़ा सा तेल हाथ में लगा दें और इस तरह से फिर से ये प्रोसेस करते जाए। ये प्रोसेस आपको 5 से 7 मिनट तक करना है। जितना आटे को मसलोगे उतना वो सॉफ्ट हो जाएगा। अभी मैं दूसरी मेथड आपको बताती हूँ। तो किचन प्लेटफॉर्म को साफ कर लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दे और फिर इस तरह से आटे को खींच के आपको इकट्ठा करना है। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप इस्तेमाल करके ये चौला फली का आटा स्मूथ कर सकते हो। जो भी प्रोसेस करे उसमें आपको आटे को 5 से 7 मिनट तक मिनिमम मसलना है। जितना आटा आप मसलोगे उतनी ही चौला फली खाने में सॉफ्ट बनती है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आटे को मसलते हैं वो एकदम स्मूथ हो जाता है, उसी के साथ ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहता।
तो आप देख सकते हैं अब ये आटा अच्छी तरह से लग गया है, ना ही ये हाथ में चिपक रहा है और ना ही ये किचन प्लेटफॉर्म पर भी चिपक रहा है। तो इस तरह से लंबा इसका रोल बनाकर तैयार कर देना है। जब हमने आटा लगाया था तब इस तरह का इसका डार्क कलर था, जैसे हमने इसे मसला ये इस तरह का लाइट कलर का हो गया है। तो आप देख सकते हैं मसलने से आटे में कितना डिफरेंस आ गया है। सेम उसी तरह से बाकी का जो आटा बचा है उसे भी हमें मसल लेना है और इसी तरह का रोल बनाकर तैयार कर लेना है। जब रोल बन जाए उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो इसे कट करने के लिए आप कोई दोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं चाकू से ही इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से छोटे छोटे लोए बनाकर मैं तैयार करूँगी। अभी जो लोया मैंने बनाया है उस हिसाब से जो हम रेडीमेड चौलाफली का पैकेट लाते हैं उतनी इसकी रोटी बनकर तैयार होती है। लोए बन जाए उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल हमें लगा देना है ताकि जो लोए हमने बनाए हैं वो एक दूसरे से चिपके ना। तो हाथ से अच्छी तरह से इसका कोटिंग आपको कर देना है। अगर कोई लोया चिपक गया है तो उसे आप अलग कर दें और अच्छी तरह से तेल का उसके ऊपर कोटिंग हो जाए वो आप देख लें। अब हम चोला फली को बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो चावल का आटा भी ले सकते हैं और आप चाहो तो दो थिक प्लास्टिक के बीच में ये लोया रख के भी चोला फली को बेल सकते हो। लेकिन मैदा या चावल का आटा इस्तेमाल करके चोला फली बेलने में बहुत ही आसानी रहती है। तो जरूरत अनुसार आप मैदा इस्तेमाल करें। जो चोला फली आप बेलते हो वो सभी साइड से इवन होनी चाहिए, कहीं पे मोटी या पतली ना रहे, उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नहीं तो जब आप चोला फली को फ्राई करोगे तो कई चोला फली क्रिस्पी बनती है तो कई थोड़ी मोटी होने की वजह से सॉफ्ट हो जाती है, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरह की पतली चोला फली बेल के मैंने तैयार की है। इसे हम कॉटन के कपड़े के ऊपर रख देंगे और इसी तरह से बाकी की आपको बेल के तैयार करनी है और एक के ऊपर एक इस तरह से आपको इसे रखते जाना है। ये ड्राई ना हो जाए वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसे पंखे के नीचे नहीं रखना है, ऐसे ही एक के ऊपर एक रखकर इसे आपको रहने देना है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो इसे कट करने के लिए आप चाकू या पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब हम इसे कट करेंगे तो इसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा हम कट नहीं करेंगे। चोला फली की थिकनेस आपको जैसी पसंद हो वैसी आप रख सकते हो। तो इस तरह से चोला फली कट करके आपको तैयार कर देना है। तो अब हम चोला फली को फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल को आप पहले चेक कर लें, तो थोड़ा सा आटा डालें वो तुरंत ही ऊपर आ जाए, मतलब कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें चोला फली डालेंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं तुरंत ही चोला फली फूलने लगी है। एक साइड जब वो फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसे पलटा देंगे और दूसरी साइड भी अच्छी उसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जब ये इस तरह की क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरी फ्राई करेंगे। चोला फली को इस तरह की परफेक्ट बनाने के लिए आप उसका आटा सही तरह से लगाएं, उसे बेलने में खास ध्यान रखें और जब आप उसका आटा मसलते हैं तो वो अच्छी तरह से मसला हुआ होना चाहिए और इसे फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर सही होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी भी चोला फली एकदम सही बनेगी। तो इसी तरह से सारी चोला फली फ्राई करके तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम इसे न्यूज़पेपर के ऊपर फैला देंगे ताकि अगर एक्स्ट्रा तेल हो तो वो निकल जाए। अब हम चटनी बनाएंगे। तो एक बर्तन में 1 से 1.5 चम्मच जितना बेसन हम डालेंगे। इसी के साथ 1 कप जितना पानी डालें और इसे मिक्स कर लें। आप इसे मिक्स करने के लिए हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये बेसन और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। तो इसे हमें मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबाल लेना है। जो बेसन हमने इस्तेमाल किया है उसका बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट या कच्ची स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा होता है तो आप जब चटनी बनाकर सर्व करोगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे जैसे ये उबलता जाएगा ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसे आपको चलाते रहना है ताकि बेसन नीचे चिपके ना। थोड़ी देर के बाद हम इसमें थोड़ा सा नींबू का फूल डालेंगे, जिसे सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं या नींबू सत्व भी बोलते हैं। अगर आपको नींबू के फूल सूट नहीं होते तो आप इसके बदले आखिर में नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो वो जब आप चटनी सर्व करते हो उस टाइम पे डालना होता है। तो आप देख सकते हैं बेसन अच्छी तरह से पक गया है, इसमें से बिल्कुल भी कच्ची स्मेल नहीं आ रही और जब आप गैस बंद करो तब इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो अब हम इसे नीचे उतार कर ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पुदीना, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और अदरक का टुकड़ा लिया है। इसी के साथ इस चटनी में आप जो हरी मिर्च इस्तेमाल करते हो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाली जो लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची होती है वो इतनी तीखी नहीं होती,
तो ये चटनी में आपको तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है जो इस तरह की डार्क कलर की होती है। तो इतनी क्वांटिटी में मैं 3 हरी मिर्च डालूंगी। ये चटनी थोड़ी स्पाइसी होती है, लेकिन आप जैसा तीखा खाते हो वैसे प्लस माइनस कर सकते हो। इसे मिक्सर जार में लेने के बाद थोड़ा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक हम डालेंगे। पुदीना का कलर एकदम बढ़िया रहे उसके लिए हम इसमें बर्फ के टुकड़े डालेंगे और इसी के साथ थोड़ा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह का पेस्ट मैंने बना लिया है। जो बेसन हमने गर्म करके रखा था वो भी ठंडा हो गया है, तो ये चटनी का मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये चटनी पतली नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी गाढ़ी होती है, तो इसकी कंसिस्टेंसी का आपको खास ध्यान रखना है। ये चटनी ठंडी सर्व होती है, तो मैंने 2 से 3 बर्फ के टुकड़े इसमें डाले हैं। अभी मैं इसे तुरंत ही सर्व करने वाली हूँ, इसलिए मैंने बर्फ के टुकड़े डाले हैं। आप चाहो तो चटनी को फ्रिज में रख के भी सर्व कर सकते हो। तो फाइनली ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसे साइड में रख देते हैं। जो चौला फली हमने बनाई है उसे अगर आप डिब्बे में इस तरह से अलग करके भरना चाहो तो भी भर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये आसानी से अलग हो गई है। ये कैसी बनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने देखा ना, एकदम बढ़िया और एकदम क्रिस्पी चौला फली ये बनकर तैयार हुई है। चौला फली को मैंने सर्विंग प्लेट में ले लिया है और अब इसके ऊपर हम इसका स्पेशल मसाला डालेंगे। ये मसाला बनाने के लिए मैंने थोड़ा काला नमक, थोड़ा रेगुलर नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा गरम मसाला इस्तेमाल किया है। उन सारी चीजों को आपको मिक्स करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसके बदले थोड़ा काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिक्स करके स्प्रिंकल कर सकते हो, लेकिन ये मसाले से चौला फली ज्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसके साथ चटनी सर्व करेंगे और चटनी के ऊपर भी मैंने थोड़ा मसाला स्प्रिंकल किया है। तो फ्रेंड्स, अब ये चौला फली बनकर तैयार है। आप इसे डिब्बे में भरकर 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और जो चटनी हमने बनाई है वो फ्रिज में 2 दिन तक अच्छी रहती है। तो इस तरह से आप भी चौला फली और चटनी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।